यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अपने रील्स को यहाँ पर अपलोड करते हो तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर रील्स को अपलोड कर देते हो उसमें यहाँ पर डबल साउंड की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक करना इस वीडियो में आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल से, तो वीडियो को बस एंड तक देखते रहना है। अगर आप यहाँ पर वीडियो को स्किप करोगे तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर ठीक नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पर इसके लिए यहाँ पर किसी भी रील्स के साउंड को यहाँ पर यूज़ करके आपको यहाँ पर बताते। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी रील्स के साउंड को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर इसी रील्स के साउंड को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा होगा यूज़ ऑडियो वाले जैसे ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करते होगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, पर एक रील्स को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया, इसमें यहाँ पर म्यूजिक लगाकर रील्स को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें जो डबल साउंड वाली प्रॉब्लम वो किस तरीके से ठीक करना है। तो आपको यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर म्यूजिक वाला जो एरो होगा वो यहाँ पर शो कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस म्यूजिक वाले एरो पे यहाँ पर क्या करना है, आइकन पे यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ से आइकन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने पर ऐसा इंटरफेस यहाँ पर शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल वाला ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ से कंट्रोल वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा यहाँ से आप यहाँ पर म्यूजिक को कम ऑन ज़्यादा यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर किसी को कम करना है, जिसको कम करना है उसको कम कर सकते हो, जिसको ज़्यादा करना है उसको आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पर म्यूजिक को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहीं से आ रही है। तो यहाँ पर मैनेज करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पर डन कर देना। डन करने के बाद आपको यहाँ पर जो रील्स है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना और जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी वो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।